की सूचना मिली पंचायत में हो रहा है। बस तो आप यही बता दें ये पंचायत नामा मृतक इसकी राजू उर्फ की सूचना का मिला था। राजू गुप्ता उर्फ हेमंत पुत्र ओम प्रकाश निवासी 5 नरेंद्र इनक्लेव गलाना की मृत्यु की पंचायत नामा की सूचना मिला था। उसी के संबंध में पंचायत नामा कराया गया। क्या पुलिस हिरासत में मौत का ऐसा कोई मामला है? नहीं, ऐसा तो कुछ पता नहीं चला। यहाँ पंचायतनामा के लिए पता चला था पंचायतनामा का कॉज कुछ मालूम पड़ा जिसका पंचायतनामा किया जा रहा है उस बॉडी का कैसे मौत हुई है? कॉज कुछ मालूम पंचायतनामा जो किया जा रहा है उसका पता चला कि उसको बीमारी के कारण मृत्यु हुई, लेकिन डॉक्टर की जो कैसे मृत्यु हुई वो तो डॉक्टर ही बताएंगे कैसे हुआ। इसीलिए पंचायतनामा कराया जाता है। तो पंचायतनामा 3 डॉक्टरों के पैनल थे और वीडियोग्राफी करा के वहाँ करा दें डॉक्टर साहब। जनपद आगरा के थाना सिकंदरा में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जिसको उसके पड़ोसी चोरी के आरोप में स्वयं यहाँ थाने पर लेकर के आए थे। उससे पूछताछ के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसको SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के संबंध में जो परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है एवं इस संबंध में जो भी गाइडलाइंस हैं उनके आधार पर इसका पंचनामा मजिस्ट्रेट द्वारा भरा जा रहा है एवं वीडियोग्राफी में डॉक्टरों के पैनल द्वारा इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके आगे जो भी अग्रिम गाइडलाइंस एवं उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। किसी बताया जा रहा बीजेपी विधायक की गाड़ी में उसको यहाँ से ले जाया गया कुछ ऐसा आरोप लगा रहे हैं कुछ विपक्ष। अभी तक जो मेरे पास प्राप्त सूचना थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। यदि कोई अन्य फैक्ट सामने आएगा तो उसके लिए हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई बेटे? बेटे को पड़ोसी बुला के ले गए। पड़ोसी रास्ते में टहलने गया था, रास्ते पकड़ कर ले गए। हाँ। पहले तो घर पर ही ले जाकर का पीटा है, फिर थाने में पिटाई। जिन पुलिस कर्मियों ने यहाँ थाने में पीटा था क्या आप उन्हें पहचानती हैं? मैं कल वालों को तो पहचान सकती हूँ जिसने पीटा है। हाँ। जिन्होंने पीटा आप पहचानती? क्या पुलिस ने अभी तक शिनाख्त करवाई आपसे कि कौन लोग थे? क्या लगता है आपको कैसे डेथ हुई आपके बेटे की? कैसे डेथ हुई है? बता रहे हैं कि आपकी बेटे की डेथ हुई है, कैसे हुई है, क्या जानकारी? पीट पीट तो मार डाला। किसने मार डाला? पुलिस। अभी पुलिस कार्रवाई तेज बोलो, तेज बोलो, कोई कार्रवाई हुई है इसमें अभी तक? आप कर रहे हैं कार्रवाई? क्या कह रहे हैं? देखो क्या होता है कार्रवाई। क्या आपको लग रहा है पुलिस से आपको न्याय मिल पाएगा? पुलिस से नहीं हो पाएगा, पुलिस से मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। मिली हुई है पुलिस। किस शक में आपके बेटे को लाए थे? क्या आरोप लगा रहे हैं? चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उसने करी नहीं है चोरी। क्या करता था बेटा आपका? मेरा बेटा कुछ नहीं करता था, उन्होंने बहाने से बुलाया था तू यहाँ आ जा, मेरे ड्रम फिनाइल के रखे हुए न कटवा जा, इस चक्कर में बुलाया गया था। हॉस्पिटल के फुटेज निकलवाओ ना। ये हमारे बीमारी कारण बीमारी क्या थी वो तो बेचारा खुद ही होगी। ये अरे सुन नहीं रहे, ये हॉस्पिटल है कि थाना है? यहाँ बीमारी है तो यहाँ मरेगा, हॉस्पिटल मरना चाहिए। यहाँ क्यों मर गया? और विधायक जी क्यों लेके जा रहे हैं? बड़ी हमदर्दी थी विधायक जी की आगरा को तो अग्रवाल बनाने के लिए। जगन प्रसाद जी चमक रहा है, उन्होंने तो कह दिया कार्यवाही होगी मगर हम उठने तभी देंगे जब डीएम साहब आके मुआवजा उसको निर्धारित करेंगे। अकेली माए कैसे होगा उसका बिचारी का? एक सिकंदरा के पास एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को उठाया गया जो मानसिक रोगी था और पुलिस ने एक विधायक के कहने पर विधायक को खुश करने के लिए उसे इतना मारा कि वो थाने सिकंदरा थाने के अंदर मर गया। और जिस उस डेड बॉडी को उठा के एक विधायक की गाड़ी में ले जाया गया, एक ही बहुत ही शर्मनाक घटना है जो इस आगरा को अग्रवन के नाम से और अग्रवालों के लिए आगरा बनाना चाहते हैं आज वो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके ही सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा यहाँ थाने में बैठ के एक मानसिक रोगी जो व्यक्ति जो मानसिक रोगी था उसे पुलिस के सामने और यहाँ थाने के अंदर मरवाया गया। बहुत आप कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं,
क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी कांग्रेस की इसमें? जिन किस व्यक्ति के एप्लीकेशन पे उसे उठाया गया, किसने शिकायत की और जो पुलिस वाले ने जो उठा के लाए उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और सब जेल जाएंगे 302 के तहत, चाहे कोई विधायक हो चाहे कुछ हो। सत्ता में इस प्रकार से लोगों को उठा उठा के जिंदा नहीं मारा जाएगा। ठीक का कोई विधायक है और उसके कहने पर उसकी गाड़ी में लाया गया और बाकायदा उसे यहाँ पे थाने में पहले मारा गया और मारने के बाद हॉस्पिटल में ले जाया गया। ये बहुत ही दर्दनाक है, अंधा कानून हो गया। क्या कोई सीसीटीवी फुटेज भी ऐसा आपके पास है जिसमें दिख रहा हो कि जो लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि हमारे सामने यहाँ पे विधायक की गाड़ी में डाल के ले जाया गया एक व्यक्ति को, और उसकी माँ आज अकेली है, ना उसका कोई भाई है ना कोई पति है, सिंगल है। और वो कह रही है कि हमारा बेटा मानसिक रोगी था, बीमार था, मेंटली कुछ सही नहीं था, लेकिन विधायक को खुश करने के लिए पुलिस ने यहाँ जबरदस्त तरीके से उसे 3rd degree का प्रयोग किया गया। जो भी हो, एक व्यक्ति की मौत हुई है और उसके परिवार के पास इस समय अंतिम संस्कार करने के लिए भी कोई आदमी नहीं है, ऐसे में क्या लगता है आपको? संस्कार जब तक नहीं होने देंगे जब तक कि जिला प्रशासन उसका मुआवजा तय नहीं कर देता, उचित मुआवजा नहीं दिया जाता और जो लोग उठा के लाए थे उनके नाम तय नहीं होते, तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा किसी कीमत।